पहिल्याच डे नाईट फॉर्मॅटचा आढावा आपण घेत आहोत आणि दुसऱ्या दिवसामध्ये ही स्पर्धा जशी पदार्पण होईल. पहिली मॅच उद्याच्या दिवसामध्ये श्री इलेवन बादशाह वॉरियर्स वर्सेस जांजे ब्रदर्स या दोन संघा मॅच आहे. 12:30 वाजता पहिल्या मॅचचा टॉस होणं गरजेचं आहे. 12 वाजता खेळाडूंची रिपोर्टिंग आहे. 1:45 ते 1:00 च्या दरम्यान चेंडू पडणं अनिवार्य आहे. आयोजकांची सूचना आम्ही दोन्ही संघांपर्यंत पोहोचवतो आहे. श्री इलेवन बादशाह वॉरियर्स वर्सेस जांजे ब्रदर्स या दोन टीममध्ये पहिली मॅच आहे. 12 वाजता खेळाडूंची रिपोर्टिंग आहे. 12:30 शार्प टॉस होईल आणि 1:45 ते 1:00 च्या दरम्यान पहिला चेंडू पडेल. आता वळूयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, करूयात परिवर्तन आणि तुम्ही पाहताय थरार क्रिकेटचा गजर KPLचा. धन्यवाद. मॅच नंबर 8 अग्री वॉरियर्स टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. समोर आपण पाहतो NB फाउंडेशन या दोन टीम्स मध्ये मात्र ही लढत मागचा सामना जिंकला होता अग्री वॉरियर्सनं, परंतु NB फाउंडेशन तो मागचा सामना गमावला होता आणि त्यामुळे इथे मात्र चांगलं करावं लागेल NB फाउंडेशनला. आकाश गायकर पहिले षटक टाकतोय. निर्धाव चेंडू मात्र सुरुवात करण्यात आले. अतिसाठी हा बॉल इथे फटका फसलाय मिडॉनला, झेल मात्र टिपलाय, फलंदाज होईल बाद. पहिला धक्का मात्र इथे बसेल अग्री वॉरियर्स खांडस टीमला. सलामीवीर आतिश कोळंबे, शून्यावर बाद. चला, टू व्हीलर ची चावी कोणाला सापडली असेल, CD 100 तर घेऊन या प्लीज. मालक फार चिंताग्रस्त आहेत. चांगला चेंडू होता, लेंथ बॉल होता यावेळेस मात्र खेळण्याचा प्रयत्न कवसला, परंतु हा चेंडू मात्र निर्धाव निघून गेलाय. तन्मय बदे आलाय पहिला चेंडू तर निर्धाव खेळतोय. चांगली सुरुवात करण्यात आली ती आकाश गायकर कडून. थोडं स्पीडअप करत राहा. मागची मॅच 1/4 तास. ओ, आडवा पॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, फटका जास्त हवेमध्ये गेलाय. क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय मिडॉनचा, आणखीन एक झेल टिपलाय. दुसरा धक्का मात्र इथे बसेल अग्री वॉरियर्स टीमला. बॅटिंग करण्याचा निर्णय मात्र घेतला टॉस जिंकून, परंतु इथे शून्यावर दुसरा धक्का. NB फाउंडेशन 4545 चे संघ मालक नितीनजी बडेकर साहेब नुकताच उपस्थित झालेत आणि ते आल्या लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये विकेट गेलेली आहे. ही त्यांची जादू आहे खऱ्या अर्थानं. आता नवीन फलंदाज केदार भगत मैदानाच्या आतमध्ये. मागच्या मॅचमध्ये जबरदस्त बैठकी फटके आपण त्यांच्या वतीनं पाहिलेलं, ज्यासाठी ते ओळखले जातात. आता पाहुयात या मॅचमध्ये क्रुशियल मोमेंटला त्यांच्या वतीनं तसे काहीसे फटके इथून पाहायला मिळतील का. विकेट हॅट्रिक आणि लगातार 3 षटकारांसाठी पारितोषिक येते सन्मान्य प्रसादजी तोरवे साहेबांच्या वतीनं 3,000 रुपयांचं.
गोलंदाज तैयार, आकाश गायकर काय सुरुवात दिले, जीरो विकेट जीरो विकेट, आतापर्यंत धाव नाही। आणखीन एक चेंडू मात्र पाहूया, परंतु पंच वळालेत। पहिली धाव येत असताना अग्री वॉरियर्स खांडस टीम साठी अवांतर धावसंख्येने खातं उघडलं जातोय, ते एक या धावेनं। धावसंख्येचा श्री गणेशा, आकाश गायकर कमालीची भेदकता पाहायला मिळाली गोलंदाजी मधून। केदार भगत नवीन बॅटर, अजय लोंगले त्याच्या साथीला नॉन स्ट्राइक एंडला। ओ चेंज ऑफ पेस, लोवर वन होता इथे, मात्र ओळखता आला नाही आणि तिसरा धक्का दिला आपल्या ओव्हर मध्ये। आणखीन एक फलंदाज मात्र गारद केला, आल्या पावली माघारी परतावं लागेल ते केदार भगतला। तीन फलंदाज शून्यावर परतवलेत ते आकाश गायकरनं एक या धावसंख्येवर, तिसरा धक्का। सुपर बॉलिंग, तीन फलंदाज बाद, तीनही फलंदाज शून्यावर, पूर्णपणे मित्र म्हणेन खराब सुरुवात। सुरुवातीलाच माशी शिंकले, अग्री वॉरियर्स खांडस टीमनं टॉस जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला खरा, मागच्याही मॅचमध्ये तसाच निर्णय घेण्यात आला होता। सचिन लांगी येतात पाचव्या क्रमांकावर, आकाश पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र कट केलाय, चांगला फटका, स्क्वेअर कटचा बॉल जाईल पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, चार धावांकरता चौकार। मध्ये आहे, परंतु आग्री वॉरियर्स या संघाला अडचणीतून बाहेर जर यायचं असेल तर त्यासाठी त्यांना पारितोषिकाची खऱ्या अर्थानं गरज, आणि लगेचच पारितोषिक येते प्रसादभाई तोरवे या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक यांच्या वतीने। पारितोषिक सलग तीन चौकारांसाठी, सलग तीन चौकार किंवा सलग तीन षटकार, 3000 रुपयांचं पारितोषिक आहे आग्री वॉरियर्स टीमच्या फलंदाजांसाठी। ही सुवर्ण संधी, आता पाहुयात त्यांना रनची देखील गरज आहे, रनही बनतील आणि प्राईजही जिंकतील तर मजा येईल मॅचमध्ये। तर प्रसादजी तोरवे साहेबांच्या वतीनं सुद्धा लगातार 3 षटकारांना 3000 रुपयांचं कॅश प्राईज असेल। अग्री वॉरियर्स खांडस टीम, ओ एक्सलंट ड्राइव्ह थ्रू द कव्हर्स, कमालीचा फटका पाहायला मिळतोय, बॉल जाईल तो एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, चेंडू सीमा पार चौकार। एंडला उभा होता अजय लोंगले, परंतु जशी स्ट्राइक मिळाली पहिल्याच बॉलवर आपली गुणवत्ता सादर करत असताना पुन्हा एकदा कव्हर ड्राइव्ह, व्हाट ए शॉट, फॅबुलस स्ट्रोक, बॅक टू बॅक दुसरा कव्हर ड्राइव्हचा चौकार।
फलंदाजांना खातं उघडता आलं नाही आणि या सिच्युएशन मधून मात्र संघाला बाहेर काढायचं आहे। रामजीत यादवचा हा चेंडू ओळखताच आला नाही, फुल टॉस होता परंतु पहा इथे मात्र संपूर्णपणे बॉडी बॅलन्स सांभाळता आला नाही आणि चेंडू सरळ जाऊन स्टंपवर आदळलाय। क्लीन बॉलच्या स्वरूपामध्ये बाद होईल, पाहू शकता रिप्ले मधून पुन्हा एकदा रामजीत यादव स्लोवर वन करण्याचा थोडासा पहा बॅलन्स सांभाळता आला नाही आणि सरळ जाऊन चेंडू स्टंपवर आदळला आणि महत्त्वपूर्ण विकेट मात्र प्राप्त करत असताना फलंदाज बाद होतील। सलामीवीर अजय लोंगलेच्या सुद्धा खेळीचा अंत, चौथा हादरा 13 या धावसंख्येवर। धन्यवाद धन्यवाद। थोडा सा अडचणीमध्ये अजय बाद झाला, तर विकी पाटील नवीन फलंदाज। नक्की जर आपण पाहिलं तर टार्गेट इथून किमान 50-55 तरी ठेवावं लागेल, कारण प्रतिस्पर्धी आहे संघाचे बॅट्समन भन्नाट फॉर्म मध्ये, त्यामध्ये वैभव माळी, प्रसाद बदे हे सुसाट फॉर्म मध्ये आहे। तिथं रामजीत यादवने विकेट घेतली, आता विकी पाटील स्ट्रायकिंग एंडला। रामजीतचा हा बॉल यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर लेग ला क्षेत्ररक्षक, त्या ठिकाणी सर्कल मध्ये सिंगल मिळेल। एकेरी धावेनं खातं उघडेल विकी पाटील, धावसंख्या एक ने पुढे जाईल 14-14। दुसरा षटक सुरू आहे, सुरुवातीला मात्र चांगले दोन चौकार पाहायला मिळाले होते परंतु तदनंतर मात्र रामजीत यादवनं कमबॅक केलंय। मागच्या तीन बॉल मध्ये फक्त एकच धाव दिले। हो, समोर ड्राइव्ह केला, समोर पंच आणि अगदी लॉंग ऑफला उभ्या असणाऱ्या फिल्डर कडे गेला होता परंतु त्याच्या हातामधून चेंडू निसटलाय आणि इथे मात्र सिंगल प्राप्त होते। दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर पहिल्यांदा फलंदाजी करत असताना अग्री वॉरियर्स कांडस टीमची धावसंख्या 15-4। जास्त एकत्रित येऊ नका, प्लेयर्सना विनंती आहे एनबी फाउंडेशन 4545 कडे। एक एक मॅचला आपण 1.25 तास घेतोय आणि ते योग्य नाहीये क्रिकेटच्या दृष्टिकोनातून। 25 मिनिटांमध्ये इनिंग संपलीच पाहिजे खरं तर, बिलकुल मी तर म्हणेन टाइमपास झाला नाही ना, तर इनिंग 22 मिनिटांमध्ये संपते आणि ते बऱ्याच वेळेला आम्ही सुद्धा रोजच पाहतोय, परंतु इकडे 35-40 मिनिटांमध्ये एक एक इनिंग। धावा झाल्यात दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 15, गडी बाद झालेत ते 4। तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होईल भावेश निरगुडा। आज या गोलंदाजानं एक मॅच जिंकून दिली होती, चौथं षटक टाकलं होतं असं वाटत होतं एका सिच्युएशनला, मात्र सामना हातामधून निसटतोय की काय, परंतु त्या सिच्युएशनला मात्र कमालीची बॉलिंग केली होती। नाईट रायडर्स संघाच्या विरोधामध्ये चांगला बॉल यावेळेस, मात्र लेंथ बॉल होता, टप्पा पडल्यानंतर ऑन साइडला वळवण्याचा प्रयत्न मात्र फलंदाजाचा जरूर झाला होता परंतु थोडस रेषेमध्ये खेळावं लागेल। बॉल कुठे येतोय त्या रेषेमध्ये खेळणं फार गरजेचं आहे, फुटवर करणं फार गरजेचं आहे, तरच तुम्हाला फटके कनेक्ट होतील। गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज, क्रॉस बेट खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल पहा विकेटच्या आसपासच आहे, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला सिंगल त्या ठिकाणी मिळते, धावसंख्या एक ने पुढे जाईल। कमालीची बॉलिंग केली आज याही गोलंदाजानं, आकाश गायकरनं सुद्धा प्रेक्षकांची मनं जिंकलेत आज ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी त्याच्याकडून झाले। रामजीत यादव लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट नाही, इथे मात्र शॉर्ट ऑफ लेंथ होता आणि पुलचा फटका मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरतून ठेवलं या बॉलला, चेंडू जाईल सीमा पार, षटकार। थोडंसं
स्थिती सुधारत असताना अग्री वॉरियर्सचा संघ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट न पहा कनेक्ट प्रॉपर झाला नाही, विकेटवरच चेंडू घरंगळत राहिला. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. तिसरं षटक सुरू आहे. टॉस जिंकल्यानंतर अग्री वॉरियर्सनं बॅटिंग करण्याचा निर्णय, परंतु चार फलंदाजांनी लवकर नांगी टाकली आणि त्याचमुळे थोडी स्थिती गंभीर उडवली होती. परंतु या गंभीर स्थितीमधून मात्र विकी पाटील आणि सचिन लांगी मार्ग काढत असताना भावेश निरगुडा तयार. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र हलकीशी अपील पाहायला मिळते. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. एक षटकार जरूर आला होता, थोडासा अकुट टप्प्याचा बॉल होता आणि त्याच्यावर मात्र चांगला पूल पाहायला मिळाला होता तो विकी पाटीलचा. बॉलिंग स्मार्ट होते. थोडासा ऑफस्टंपच्या बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न, लेग स्टंपच्या बाहेरून चाललेला हा चेंडू पंचांनी स्वैर असल्याचा निर्वाळा दिला. एक डाव तो संख्या एक ने पुढे जाईल. पहिलीच रात्र कर्जत प्रीमियर लीगची. लॉंग रन अप आहे भावेश निरगुडाचा. ट्राय केला ऑफड्रावचा फटका लॉंग ऑफ कडे. फिल्डर आहे त्या ठिकाणी, सिंगल मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या मात्र पुढे लोटली जाईल. तीन षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर अग्री वॉरियर्स खांडस टीमची धावसंख्या चार गडी बाद 24 जावा 24 लॉस ऑफ 4 विकेट. जास्त एकत्रित येऊ नका, विनंती असेल एनबी फाउंडेशन 4545 लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, स्पीडअप करत राहा. 25 मिनिटांमध्ये तरच इनिंग संपेल. कारण बऱ्याच वेळेला गोलंदाजाचा निर्णय एक दोन खेळाडू एकत्रित येऊन घेतला तरी चालतो, त्यासाठी सगळेच जण प्लेइंग 11 एकत्र येण्याची गरज नसते. खास करून स्पर्धा जेव्हा रात्रीची असते तेव्हा आयोजकांचा वेळ वाचवणं ही पहिली आपली प्राथमिकता असायला हवी. 24 धावा झाल्यात, अजूनही दोन षटकांचा खेळ बाकी आहे. पाहूया अग्री वॉरियर्स खांडस टीम मात्र या दोन ओव्हर्समध्ये कमबॅक करणार का. इथून चांगली दोन षटकं चांगली टोलेबाजी झाली तर पुन्हा एकदा सुस्थितीमध्ये पोहोचेल आणि 50-55 आसपास गेला तर नक्कीच एक चांगली मॅच आजच्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळू शकते. नेक्स्ट मॅच नाईट रायडर्स विरुद्ध ध्रुवी इंटरप्राइजेस, मॅच नंबर 9. बी रेडी, नाईट रायडर्सला शेवटची संधी असेल. ध्रुवी इंटरप्राइजेस मात्र सुपर डुपर फॉर्म मध्ये आजच्या रात्रीमध्ये. चौथं षटक घेऊन मंगेश कोळंबे तयार विकीसाठी. शॉट ऑफ लेन, अर्ध्या पिचवर आपटलेला हा बॉल, पुलचा फटका, बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, चेंडू जाईल सीमा पार. दोन खेळाडू त्या ठिकाणी अडवण्याचा प्रयत्न पुरेपूर झाला. पंचांच्या इशाऱ्याची वाट पाहू, इट्स अ ह्यूज वन. 6 धावा मात्र मिळतील, षटकार. प्रेशर आता मात्र असेल मंगेश कोळंबेवर. इथे पहा थोडासा फ्लायटेड डिलिव्हरी दिली होती परंतु अगदी खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू पडला, यॉर्क केलं होतं, थोडस ऑफस्टंपच्या बाहेर खोलात जाऊन पडला आणि त्याचमुळे सिंगल या ठिकाणी एकवडली जाते. धावसंख्या एक ने पुढे जाईल. 36 जबा आतापर्यंत धाव फलकावर.
37 37 जाबा यास रनरेट ने जर गेला तर 50 प्लस होऊ शकतात। इथे मात्र फटका मिसटाइमिंग झालाय, बॉल हवेमध्ये आहे, लॉन्ग ऑफला फिल्डर उभा आहे, चेल टिपला जातोय, फलंदाज होईल बाद, आणखीन एक सफलता, पाचवा हादरा, निम्मा संघ गारद होतोय, अग्री वॉरियर्स कांडस टीम अर्धी सेना तंबू मध्ये दाखल। सातव्या क्रमांकावर थोडं सरप्राइझिंग पंकज बदे मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना, दोन षटकारानंतर थोडस कमबॅक करत असताना गोलंदाज, इथे पहा बॉल टर्न झालाय, थोडस रिलॅक्स मोड मध्ये होता फिल्डर त्या ठिकाणी, थोडासा चकवा दिला जरूर चेंडूने, पण बऱ्याच वेळेला असे चेंडू वळतात आणि त्यासाठी सुद्धा तयार राहावं लागतं। इथे धावा प्राप्त झाल्या त्या दोन, आणि या दोन धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकत असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 39 आकड्यावर, 39 रन्स ऑन बोर्ड, 39 धावा धाव फलकावर। पुल करायचा होता, कनेक्शन प्रॉपर नाहीये, टाइमिंग मात्र नाहीये, बॉल मात्र मेडॉनकडे, सिंगल मिळेल, धावसंख्या एक ने पुढे जाईल। पाहता पाहता चार षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय, आणि चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर 10 सरासरीनं 40 धावा, शेवटच्या षटकाचा खेळ असेल बाकी। चला जास्त एकत्रित देऊ नका, लास्ट ओव्हर आहे, पाचवा आणि अंतिम षटक फार महत्वाचा असेल दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून। एनबी फाउंडेशन 4545 या टीमनं जर काही हेही षटक मात्र असंच टाकलं, धावसंख्या मात्र 50 खाली ठेवली, तर त्यांना मात्र फायद्याची ठरेल या मॅचमध्ये धावसंख्येला यशस्वी पाठलाग करणं। परंतु अग्री वॉरियर्ससाठी एखादं मोठं षटक येणं आता मात्र गरज बनले, आणि ते जर का आलं, कारण पंकज बदे मैदानामध्ये आहेत, विकी पाटीलच्या बॅटमधून 8 बॉलमध्ये 21 धावांची खेळी निघाले, आणि या दोनही आक्रमक असे फलंदाज आहेत, आणि त्यांच्याकडून चांगले स्ट्रोक्स या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाले, तर नक्कीच ही धावसंख्या 55 आसपास गेली तर चांगली फाईट मात्र तुम्हाला या मॅचमध्ये पाहायला मिळेल। नेक्स्ट मॅच असेल नाईट रायडर्स नेरळ विरुद्ध ध्रुवी इंटरप्राइजेस, दोन्ही टीमचे कॅप्टन, आपण टॉस करूया। ध्रुवी इंटरप्राइजेस रेडी आहे, नाईट रायडर्स लास्ट ओव्हर, गोलंदाजी मार्कवर आकाश कायकर, शॉर्ट ऑफ लेंथ होता परंतु मिसटाइमिंग स्ट्रोक आहे, बॉल हवेमध्ये, स्वतः गोलंदाज धावलाय, वाडे कॅच, काय जजमेंट घेतलाय, काय अंदाज घेतलाय, अग्री वॉरियर्स कांड स्टीम ची पंकज बदे सुद्धा बाद झालेत, मी तर म्हणेन थोडं लवकर यायला हवं होतं, पण आज त्यांच्या बॅटमधून चांगल्या धावा आल्या होत्या, परंतु कुठेतरी सुरुवातीलाच मात्र आकाश गायकरनं जे तीन हादरे दिले होते ना, आणि त्याचमुळे कदाचित उशिरानं मात्र पंकज बदे सातव्या क्रमांकावर मैदानामध्ये दाखल झाला, परंतु रणनीती मात्र सफशेल फोल गेली, कारण या सिच्युएशनला आला होता, त्या सिच्युएशनला प्रेशर मात्र प्रचंड होता, दबाव होता या मॅचवर, आणि तो दबाव मात्र झेलू शकला नाहीये। आकाश गायकर कमालीची बॉलिंग पाहायला मिळाली आतापर्यंत, 40/6 अशी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते अग्री वॉरियर्स।
कुलदास तैयार, अक्का बॉल बैकफुटला जाऊन समोर पुल केलाय, डाउनच्या दिशेमध्ये सिंगल प्राप्त होईल 41 41 धाव संख्या, शेवटचे चार चेंडू शिल्लक आहेत, मोठे स्ट्रोक्स आले नाहीत तरी इथून मात्र 50 आकडा सुद्धा पार करणं कठीण जाईल। विकी पाटील आहे त्याच्या बॅटमधून चांगल्या धावा आल्या, 3 षटकारांचा खेळ त्यांना आतापर्यंत दाखवलाय मैदानामध्ये, 8 बॉलमध्ये 21 धावांवर खेळतोय। अकुटप्याचा बॉल बॅकफुटला जाऊन पूल केलाय आणि हा जेल मात्र टिपलाय, 5 विकेट ऑल, पंच त्या ठिकाणी जवळ जवळ त्यानं नवव्या क्रमांकाचा फलंदाज येतोय अंशुल, क्षेत्ररक्षक डी पॉइंटला तैनात करण्यात आलाय, त्यामुळे एक धाव मिळेल, धाव संख्या 1 ने पुढे जाईल 42 42। शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत, या 2 चेंडूनंतर टॉस केला जाईल प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, नाईट रायडर्स विरुद्ध ध्रुवी एंटरप्राइजेस, हुक करण्याचा प्रयत्न पाठीमागे, स्ट्रोक प्रॉपर कनेक्ट झाला नाहीये, फाईन लेगला मात्र जेल टिपला जातोय, आणखीन एक धक्का दिलाय आकाश गायकरला, बघाशी थोडी डोळ्याला दुखापत झाली होती त्यामुळे कदाचित मनामध्ये संभ्रम असेल बॅटिंगला जाऊ की नको, परंतु अखेरीस आता मात्र संघाची गरज ओळखून तो मैदानामध्ये आलाय। कल्पेश कांबेरे सहा विकेट्स घेतल्या त्या गोलंदाज आकाशनं, ड्राईव्ह केलाय ज्यावेळेस मात्र लॉंग ऑन कडे जात असताना इथे थोडस मिसफील्ड त्या ठिकाणी, दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न आणि 2 रन्स कंप्लीट सुद्धा होतील, तिसऱ्या धावेला मात्र तो धावचित होतोय। इथे पहिलं सत्र संपलंय आणि पहिल्या सत्रामध्ये टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय अग्री वॉरियर्स खांडस टीमचा, आणि धावा जमवल्यात त्या 8 गडी बाद 9 गडी बाद 44 धावा, 45 धावसंख्येचं लक्ष मात्र ठेवण्यात आलंय एनबी फाउंडेशन 4545। टॉस केला जाईल तो नाईट रायडर्स नेरळ विरुद्ध ध्रुवी एंटरप्राइजेस,
त्यामुळे विशेष अभिनंदन आणि कदाचित ही विजयाची परंपरा मात्र चालू ठेवण्याचं काम करतील, परंतु दुसऱ्या बाजूला नाईट रायडर्सला मात्र सामना जिंकावाच लागेल या स्पर्धेमधलं आपलं आव्हान टिकवायचं असेल तर. परंतु तरी सुद्धा जर तरचे कॅल्क्युलेशन्स असतील, त्याच्यानंतर सुद्धा रिशी इलेवन आणि एनबी फाउंडेशन मॅच बाकी आहे. सध्याचा मॅचचा रिझल्ट सुद्धा येणं गरजेचं आहे. शेवटच्या मॅचवर सुद्धा बरीचशी सूत्र असतील. तर 45 धावांचं लक्ष सेट करण्यात आले या मॅच मध्ये. एनबी फाउंडेशन 4545 आणि दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र तुम्हाला पुन्हा एकदा आवाज ऐकायला मिळेल आपली करमणूक करण्यासाठी. चिंगो चिंगो बाबूशा. टॉस केला जातोय. दोन्ही टीमचे कॅप्टन ज्या ठिकाणी आहेत प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, नाईट रायडर्स विरुद्ध ध्रुवी एंटरप्राइजेस. टॉस जिंकला आहे. यस, टॉस विन कोण आहे? ध्रुवी एंटरप्राइजेस. आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय कदाचित त्यांनी. जाऊया दुसऱ्या सत्राकडे. चला फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज. चला अग्री वॉरियर्स कांडस टीम, चला क्षेत्रक्षण सजून घ्या लगेच, कारण इकडेच वेळ जातो आपला. खेळाडू बाहेर येणं, आत जाणं, त्यामुळं राजाजी मोडक साहेब, देवाभोई साहेब, तुम्हाला काहीतरी वेगळं करावं लागेल, कारण ज्या पद्धतीनं आयोजकांना सुद्धा वाटलं होतं कदाचित एकच्या आसपास स्पर्धा संपेल, परंतु असं काही घडत नाही आहे. परंतु असंच चालू राहिलं तर उद्याच्या दिवशी सुद्धा हे चित्र पाहायला मिळेल. तरी एक मॅच आज जास्त होती. आज 11 मॅचेस मोठं शेड्यूल. चला स्पीडअप करा. 45 धावांची गरज आहे बाबूशा दुसऱ्या सत्रामध्ये. आणि जशी होईल मॅचला सुरुवात ऐकूया पुन्हा एकदा. कर्जत तालुक्यामध्ये लोकप्रिय आवाज आहे, अनेक स्पर्धांमध्ये खरं तर मोठी मागणी, ज्यांना नेहमीच कर्जत नेरळ परिसरामध्ये सातत्यानं होत असते. ऐकूया बाबूशांचा आवाज. तो चलिए धन्यवाद दीपक सर, चलेंगे फिर से एक बार मुकाबला की तरफ. जब टारगेट की बात करेंगे 45 रनों के टारगेट से, तो चलिए इसके बाद भी दो मुकाबला खेला जाएगा. टारगेट तो इतना बड़ा भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पिछला मैच हमने देखे निश्चित रूप से मुकाबला शायद अभी देवगढ़ जीते एक समय मुकाबला. अरे चलिए पहली गेंद पर सफलता, शोर शराबा देखिए क्राउड का कैसा. चलिए नेक्स्ट बैटर भाग कर जाइए, रेडी में एकदम रहिए, तैयार में रहिए. डीजे नहीं बजेगा इसके बाद. हाँ बहुत बढ़िया, देखिए बैटर यहां से तेजी से भागते हुए, जरा भाग कर जाइए, बॉडी और खुल जाएगा. जितनी तेजी लगाओगे
क्योंकि कहते ना इसी क्लाइमेट में थोड़ा भाग कर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में भी हम देखते हैं दीपक सर बैटर एकदम से डगआउट से भाग कर जाते हैं, बॉडी को थोड़ा सा लचक लचक कर। हमारे देवा दादा पूरे देखिए, राजेश मोडक सर बहुत अच्छी मेहनत लिए हैं, कल साइड टूर्नामेंट से और जल्दी शुरुआत हो जाएगा। दोपहर चलिए दीपक सर अंपायर तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है। और ये चलिए भाई और एक मौका बना दिए थे, यही तो बात छेड़ी थी हमने कि यहाँ पर 45 का टारगेट इतना आसान भी नहीं रहेगा। कहते ना अक्सर रात में फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है, तो ये मैच कहाँ पहुंचेगा ये कहना अभी भी बहुत मुश्किल है। भलाई देखिए यहाँ से बात करेंगे एनबी फाउंडेशन टीम है। और ये चलिए भाई ये चौका देखिए ले जाएगा और करीब अकाउंट की शुरुआत देखिए यहाँ पर चौके के साथ है। तीन गेंद में देखिए चार रन आता हुआ और जहाँ 45 के पीछे करते हुए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए फिर से एक बार पॉइंट के ऊपर से खेला गया है और तारीफ करना चाहेंगे यहाँ पर आगरी वारिस टीम का अंपायर कॉल देखिए यहाँ से नो बॉल भी, गलती भी और ऐसी गलती होती गई तो निश्चित रूप से और दिक्कत बन जाएगा जहां पर आपने देखिए टारगेट इतना बड़ा नहीं सेट किए हैं और वन प्लस यहाँ पर वन आता हुआ दो रन, अब समीकरण बदलता हुआ देखिए 27 गेंद 41 की जरूरत है। छह रन अभी तक बन चुका है क्लाइमेट्स एकदम से देखिए यहां से, ओ बहुत बढ़िया देखिए स्क्वायर कट्स, दो फील्डर्स गेंद के नीचे भागते हुए आउटफील्ड देखिए आज अभी भी इतनी तेज भागता हुआ। भलाई मैदान में थोड़ा सा नमी है लेकिन अच्छी देखिए यहाँ पर मैदान का काम हुआ है, सुबह के समय रोलिंग भी निश्चित रूप से किया गया और एक चौका आता हुआ, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 10 रन। और अभी जीत के लिए देखिए बात करेंगे 35 की जरूरत है 35 और इस ओवर की देखिए बात करेंगे अभी भी 2 गेंद शेष। सीधा बल्ले से एकदम खेला गया शॉट और स्कोर की बात करेंगे स्कोर देखिए 10 पर है। इस ओवर की देखिए बात करेंगे अभी भी 1 गेंद शेष है, अंतिम गेंद आखिरी गेंद, पंकज बड़े देखिए आज प्रभावित किए हैं। और ये चलिए भाई अब ये फील्डर से दूर एकदम दर्शकों के खेमा में 6 रन और इस ओवर को देखिए एकदम से लंबा बना दिया भाई। गम की आंधियों में हम गुजर जाएंगे अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए, हम सागर में क्या समंदर में भी उतर जाएंगे। आकाश गायकर की बल्ले से इतना बड़ा छक्का था। चलिए नो टीम मीटिंग, ज्यादा समय नहीं, चर्चा हल्का कीजिए और रन खर्चा कम कीजिए तब जाकर ये मैच जीत सकते हो। चलिए भाई आगरी वॉरियर्स टीम चलिए थोड़ा फील्ड खोल दीजिए भाई, बहुत रात हो चुका है आपको तो कर्जत में रहना है। हमें पनवेल से एमआरडीसी तलोजा दीपक पाटिल सर है आज बहुत कुछ उम्मीद है। तारीख इसलिए चुन कर लिया गया निश्चित रूप से वो उनकी तरफ से कभी नो एंट्री नहीं रहती है, बहुत बड़ा है उनके भी कड़ाव पर मतलब इस सरजमी पर कड़ाव। 5 गांव प्रीमियर लीग था अभी दादा ना, इस साल देखिए बात करेंगे कड़ाव टीम आपको स्वर्गीय रतन बोर ट्रॉफी में दिखेंगे
ओहली के साथ मुकाबला है 27 जनवरी, नोट करके रखिए। नजरें रहेगी सबके यहां से। कुणाल जी डायरी, क्योंकि जब अपने विभाग से कोई टीम जाती है ना, निश्चित रूप से हर उनके चाहने वाले का उम्मीद ही रहता है कि टीम क्वालिफाई करके ट्रॉफी लेकर आए। उम्मीद बहुत बड़ी है कि फाइनल तक टीम पहुंचे। अगर टीम की अगर संतुलन देखा जाए तो बहुत बढ़िया बैलेंस है। सिर्फ उस दिन कहते हैं ना, आपका दिन उस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाकी की भी 11 टीम उसमें जुड़े हैं, 12 टीमें कुल मिलाकर, और हर टीम देखिए 100% देने के लिए उतरते हैं। तो चलिए 24 गेंद 29 का जरूरत था, लेकिन पहला गेंद डॉट निकलता हुआ, अब देखिए 23 गेंद रहता हुआ। समीकरण की बात करेंगे, अग्रिवारिश टीम बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी कर रहे हो निश्चित रूप से। और आकाश लोंगले, देखते हैं आकाश गायकर मैच को कितनी करीब लेकर जाएंगे या और वक्त लगाएंगे। ये क्या हो गया भाई, ये ब्रेक किसने लगाए, सोच का नमी है थोड़ा सा, लेकिन आज अच्छी बात है दीपक सर, मौसम एकदम से, समीर सर जब कल रात निश्चित रूप से समीर सर ने जिक्र किए, कवर लेकर से विकेट को बचाएगा सबसे पहले, जिसके कारण आज मैच खेला जा रहा है। वो ये देखिए भाई, क्या यहाँ से छूट रहा है, फिर दिक्कत बन जाएगा। और कहते ना, लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा, एक नहीं पूरा 45 निकल जाएगा, दांत तो 32 है लेकिन स्कोर यहाँ पर हमारे देवा दादा भूर। देखिए आने वाला वक्त में भी एक निश्चित रूप से उमेश जी करनों का, उनके जीजू निश्चित रूप से जमाई राजे हमारे नेरे धुंधरे विभाग के, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से एकदम हर आयोजन कमेटी ने, देखिए मैं हर किसी का यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा। और समीर सर बात करेंगे, समीर सर बात करेंगे ना, पिछले 3 सालों से कर्जत प्रीमियर लीग में निश्चित रूप से राजेश मोडक साहब याद हमेशा करते निश्चित रूप से। और ये चलिए भाई यहाँ पर जगह बनाकर, देखिए अपने आप को रूम बनाया और बैकफुट से जाकर सीधा देखिए फाइनल लीग को चिरता हुआ 6 रन। कहते हैं ना, टूटे हुए दिल का आरोज बन गया, टूटे हुए दिल का मुरब्बा बन गया, और इस छक्के को देखने के साथ साथ डगआउट में देखिए दिल गार्डन गार्डन हो गया। और समीकरण देखिए अब और आसान बनते जा रहे हैं, अब 20 की जरूरत है। शॉर्ट मिड ऑफ भी तैनात है, ट्राई पुछाल देखिए कितना तेज लगाए थे, पूरी मुझे लगता है 5 रात हमारे आयोजक टीम के साथ साथ शायद मुझे लगता है आने वाला कल, लगभग कल तो हो चुका है, शायद इतना समय नहीं जाएगा, क्योंकि कल शायद मुझे लग रहा है 1 के करीब है। दादा कितना बजे बोलूं कर मैच, राजेश दादा मोडक निश्चित रूप से ऐसे जानकारी देंगे कल कितना बजे मैच शुरू होगा। समीर सोमनेश्वर, क्योंकि जो पहली मैच टीम को यहाँ पर रिपोर्टिंग करके लेना होगा, 12 बजे रिपोर्टिंग करना होगा, 12:15 या 12:30 के बीच में, 12:30। बारह तीस तक राजेश मोडक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया निश्चित रूप से, पिछले 2-3 सालों से इस कर्जत लीग में याद करते हुए। और अभिजीत दिवकर देखिए बात करेंगे, एक बहुत बढ़िया देखिए कर्जत प्रीमियर लीग में के कप्तान हमेशा 100% देखिए
हवा में ही इस बार मौका मिला है, अब और इंतजार करेगा। अब 19 गेंद 19 की जरूरत थी, अब देखिए 18 गेंद 19 की जरूरत है। स्कोर की बात कर लेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए यहां से 26 पर, लेकिन से अभी 19 रनों की जरूरत है और गेंद बचाए देखिए 18 गेंद इस टूर्नामेंट में। देखिए बात करेंगे अभी से, एक दादा गायकर साहब देखिए कर्जत है, टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजेश मोडिक साहब, देवा दादा भुईर से, अनिल दादा माली लीजिए, राज दादा भुईर से, बाला दादा बुराडे, अभी दादा देवघरे, पूरी मैनेजमेंट कमेटी अच्छी मेहनत लिए और मेहनत देखिए उनका रंग लाता हुआ। तो चलिए अग्री वरिष्ठ टीम, चला दादा जास्ती बेल घू नका, कुछ गुप्ते को चर्चा देखिए यहां से चलता हुआ। निश्चित रूप से अगला मैच बात करेंगे तो यहां से नाइट राइडर्स टीम देखिए बात करेंगे। पिछला दो मैच है, पहला मैच जीतने के बाद देखिए बात करेंगे, नेरन नाइट राइडर्स टीम को दो मैच हार दिखना पड़ा। ध्रुव इंटरप्राइजेस बात करेंगे, तीनों मैच है जीतने के साथ मजबूत स्थिति में है। ध्रुव इलेवन टीम ने देखिए टॉस जीतने के साथ डिसीजन देखिए बात करेंगे, फिर से बल्लेबाजी चुने हैं। चलिए यहां पर ओ बल्ले से लेकर विकेट को भी छोकर गया और इंतजार करना पड़ेगा यहां से, लेकिन एकाक ऊपर इतना कंजूसी डालना होगा ना, जहां मैडन ओवर या एक रन का ओवर या दो रनों का ओवर अगर ऐसा ओवर निकल जाता है ना, फिर ये टारगेट थोड़ा मुश्किल बन जाए। चलिए नेक्स्ट बैटर जरा भाग कर जाइए, तैयार में रेडी में रहिए। आज ये कमेटी भी देखिए राह देख रहे हैं, हम भी राह देख रहे हैं कि कितना जल्दी और दो मैच है कंप्लीट किया जाए, कहीं क्राउड देखिए अभी बचे हैं। चलिए बैट्समैन आकर कंप्लीट हो गए हैं, और भाई ये क्या हो रहा है, आउट होने वाला बल्लेबाज भी अंदर जा रहा है, नहीं शायद कुछ समझौता करके आ रहे हैं। चलिए फील्डर वहां क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठंडी है। निश्चित रूप से जो आपके फैंस रहते हैं, आपके समर्थक रहते हैं, इतनी रात तक जुड़े हैं, उनसे भी थोड़ा बात करना भी जरूरी है। सफर तो हमेशा देखिए आसान नहीं रहता है, चाहे आप क्रिकेट की दुनिया में लीजिए या राजनीति की दुनिया में लीजिए या कुणाल मोहब्बत की दुनिया में भी चाहिए। तो चलिए चौका आने के साथ अंपायर देखिए यहां से निश्चित रूप से थोड़ा सा यहां पर कमेंट्री बॉक्स में कुछ चर्चा चलता हुआ निश्चित रूप से। और अभी देखिए बात करेंगे 16 गेंद 15 की जरूरत है, बड़ी माप चुप कर देखिए मीटर कांटा लेकर बैटर चले, जब से देखिए एक दो गेंद डॉट निकलता है फिर चौके दाग रहे हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर एनबी फाउंडेशन टीम देखिए खेल रहे हैं, उसके मैनेजर देखिए अजय यादव सब
और ये चलिए किनारा यहाँ पर लेकर से मौका था भाई, लेकिन इससे लग रहा है ठंडी काफी मैदान पर भी दिखाई दे रही है। बैटर एकदम से देखिए अपनी बॉडी को देखिए खोलने में समय लग गया, और यही होता है पहले बल्लेबाजी इसलिए अभी देवगरे ले रहे हैं कि कुछ रन जोड़ दिया जाए और बाद में दबाव बनाया जाए। 14 गेंद देखिए अभी 14 की जरूरत है, अगर दबाव रहेगी तो फील्डर से एनबी फाउंडेशन में देखिए बात करेंगे, एकदम से जीत के कगार पर हैं। लेकिन कुणाल जी डायरेक्ट कहते हैं ना, हार और घास कभी भी पैदा हो सकता है, ये चीज का ध्यान, जीत हमेशा आपको दिखाई देता है लेकिन हार और घास कभी किसी वक्त भी पैदा हो सकता है। तो 13 गेंद देखिए 13 की जरूरत है, एकदम से देखिए वातावरण शांत है, शांत माहौल है, लेकिन शांत माहौल में अग्रिम वरिष्ठ टीम देखिए थोड़ा सा संघर्ष की यहां पर अग्रिम वरिष्ठ टीम की देखिए बात करेंगे, आज क्राउड बड़ी तादाद से आते हैं और एक देखिए कैच और कहीं देखिए भोंगे की आवाज उनकी तरफ से, कहीं तस्वीर खिलाड़ियों का लेकर आए थे फोटो देखिए, और अभी भी देखिए उनका क्राउड जागा है, अच्छा संकेत है टीम को अच्छा साथ मिलता हुआ। और एनबी फाउंडेशन टीम अगर यहाँ से मैच जीत भी जाता है ना, फिर भी उसको और एक मैच आज की रात में खेलना है, आखिरी मैच लेगा ऋषि इलेवन टीम के साथ है। और अभी देखिए समीकरण की बात करेंगे, 12 गेंद 13 की जरूरत है, बारह चेंडू जिंकना सत्य 13 धावाची गरज है। चला दादा जास्ती बेल घेऊ नका, समय बहुत देखिए यहां से अंपायर भी देखिए यहां से देख रहे हैं क्या करें खिलाड़ी तो यहां से इकट्ठा तो अक्सर हो जाते हैं लेकिन उतना भी वक्त मत लीजिए। अच्छी बात है आयोजक आपको 5 ओवर का पूरा मैच खेलने का मौका दे रहे हैं, अगर आप समय बचाओ तो हो सकता है आने वाला साल आपको 6 ओवर का मैच भी दे सकते हैं। अगर आपने इस सीजन में अगर सीजन 7 में अगर आप रात का 2-3 बजे तक जगाओगे तो फिर आने वाला साल कहीं हो सकता है कम भी ओवर हो सकता है। तो चलिए 12 गेंद 13 तो चलिए 12 गेंद 13 की जरूरत है, देखते हैं यहां से बैटर और कितना समय लेते हैं या मैच और करीब जाएगा क्या। एकाक ओवर में यहां पर कितना जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है, चमत्कार नहीं मेहनत, चमत्कार वही होता है जहां आपका मेहनत रहता है। हवा में गेंद है और ये देखिए क्या छ, अब 11 गेंद 13 की जरूरत है, हल्के में ले रहे हैं कहना के यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन कहते हैं ना दबे हुए राख के नीचे अक्सर आग भी हुआ करते हैं। आगे निकले थे इस रिप्ले में आप देख सकते हो, और गेंद देखिए बाहर की तरफ थोड़ा निकली, बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं कौन बदल कर अंदर की तरफ गेंद डाला और उसके बाद देखिए बैटर के लिए एकदम से आउटसिंग हो गया, बाहर का तरफ निकला। चलिए नेक्स्ट बैटर क्यों रेडी नहीं रहते हैं, आउट होने वाला बैटर करीब आ जाता है, इन होने वाले बैटर चलिए भाग कर थोड़ा जाइए, हाँ और जरा तेज से, नहीं बैटर की बात करेंगे मयूर दिखे उतरे हैं, 11 गेंद 13 की जरूरत है, एक एक विकेट गिरने के साथ मुकाबला धीरे धीरे करीब आ रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कितना रुठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आसिक कहते हैं और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं।
क्या यहाँ पर बाजीगर बनेंगे अग्रवालिस टीम या जो एनवी फाउंडेशन टीम ने जो यहाँ पर पकड़ बनाई है इस मैच में गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में, क्या वो मैच उनके मुट्ठी से निकल जाएगा? छोटी सी गलती व्हाइट का इशापा एक्स्ट्रा से और एक रन। अभी देखिए बात करेंगे 11 गेंद 12 की जरूरत है। रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। शॉर्ट कवर के ऊपर से खेला गया है, डीप कवर एकदम से खुला है देखिए यहां से, और ये चौके ने देखिए मुकाबला को और करीब लेता हुआ। वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती हैं और यहां से देखिए एकाक चौके आने के साथ मुकाबला की हालत बदलती हुई। अब 10 गेंद 8 की जरूरत है। अब जरा से ये मैच को कहूंगा बचाना और कठिन हो गया है, और कहते हैं ना कठिन रोल हमेशा एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है। क्या ये कठिन रोल यहां पर गेंदबाज से लिभा पाएंगे? अंतिम 4 गेंद में कितना रन रोक कर जाएंगे? अगर मेरे हिसाब से अगर अंतिम ये 4 गेंद में 3 रन खर्च करके 5 रन भी रखते हैं ना तो मैच में बने रहेंगे। अगर 4 में 4 भी गवा दिए ना मुश्किल तो नहीं कहा जाएगा, एक उम्मीद रहेगा। अब बल्लेबाज भी दिमाग में सेट कर लिए भाई हम 3-4 रन जोड़ेंगे और मौका मिला तो चौके या छक्के दागेंगे, अगर खराब गेंद आई तो। अच्छी माइंडसेट गेम बल्लेबाजी देखिए, इसलिए तो कहा जाता है अगर बंदूक से ज्यादा कोई चीज अगर घातक है ना वो है आपके दिमाग, वो है आपकी माइंडसेट। कहीं आसान से मुकाबला को भी, ओ ये चलिए भाई हल्के में लिए थे, अब समीकरण बदल जाएगा। तो चलिए टोटल की बात कर लेंगे, अभी जाकर पहुंच गए यहाँ से 39 रन, तो जीत के लिए देखिए बात करेंगे 6 की जरूरत है। चलिए हमारे रॉक स्टार से प्रवीण गायकर सर देखिए बात करेंगे, आमदर चेसक कोपरली नाइट डे नाइट कंप्लीट करने के बाद हम एंजॉय करते हुए और इस मैच के बाद ले रहे हैं। स्वागत है प्रवीण सर, बहुत बढ़िया। देखिए पनवेल विभाग में बहुत सारे टूर्नामेंट को अंजाम देते हैं, कंप्लीट करते हैं, 10 से 16 तक है, 12 किंग रोशन दादा पटेल देखिए बात करेंगे, उनके नेतृत्व में एक बड़ा बिग शो आज जिसका आगाज हो चुका है और लगातार देखिए बात करेंगे 7 दिन डे नाइट वहां पर खेला जाएगा। तो चलिए चलेंगे हम मैच की तरफ, यहाँ से 6 रनों का जरूरत है लेकिन यहाँ से और इंतजार करना पड़ रहा है। हमने बात छेड़ी थी कि 5 रन भी रहेगा तो आखिरी ओवर में मैच बचा रहेगा, और यहाँ से देखिए मुझे लगता है अब टीम मीटिंग बहुत बड़ा हो जाएगा। छह की जरूरत है। चलिए आप फील्ड खोल दीजिए भाई, कहते हैं ना एक गेंदबाज को देखिए अगर एक कप्तान या 2 खिलाड़ी बात करते हैं तो शायद अच्छा सलाह होता है, अगर वहां 10 खिलाड़ी इकट्ठा होकर अगर एक गेंदबाज को 10 कानों पर उसका घुटरू घुटू घुटरू घुटू तो फिर वो गेंदबाज क्या करेगा भाई? आप अंतरराष्ट्रीय मैच भी देखते होंगे जब रोहित शर्मा कप्तानी करते हैं सामने शायद विराट कोहली जुड़ जाते हैं, दूसरी तरफ से एक गेंदबाज समी अनुभव 2-3 खिलाड़ी, लेकिन से यहाँ जो पूरी 11 खिलाड़ी इकट्ठा होकर एक गेंदबाज को कहते हैं ना
कोई कहता होगा कि यहां डालना होगा, वहां डालना होगा, कभी दाएं कभी बाएं। भाई किसकी बात को फॉलो करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन आज लिख लीजिए फिर से इकट्ठा। भाई लॉकडाउन में भी इतना मीटिंग नहीं लगा था, चलिए अग्री वरिष्ठ टीम आप बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हो, छोटा सा टारगेट को फाइट कर रहे हो, लेकिन यहां पर समय को फाइट मत कीजिए। अगर बात कर लेंगे ना यहां से अग्री वरिष्ठ टीम का, देखिए आखिरी मैच है, लेकिन बाकी की टीम को देखिए यहां पर मैच खेलना होगा। बहुत बढ़िया, देखिए छह गेंद, छह की जरूरत है। कहते हैं ना जनाजा है आसिक का, जरा आहिस्ता उठाना। ओ बढ़िया गेंद, अगर ऐसी गेंद हुई तो मैच बचा सकते हैं। नजर और लेंथ लाइन तीनों चीज, कहते हैं ना बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, अगर अच्छी नजर से देखो ना वेस्ट इंडीज की लड़की भी आलिया भट्ट लगती है। अगर नजर आपकी अच्छी रही इस मैच में तो फिर ये मैच भी बचा सकते हो। हम दशरथ पाटिल सर नहीं है, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि क्रिकेट भी बहुत बड़ा प्रोफेशनल हो गया आजकल, लेकिन देर रात हुआ है इसके लिए थोड़ा हम रंग में बताएं, क्योंकि ये एक अंदाजा मैंने दिखाया कि बुरी नज़र से देखो तो हर चीज़ बुरी, अगर मुश्किल नज़र से देखो तो मुश्किल लगेगी, अगर अच्छी नज़र से देख ले बेटा तू भी सल्लू लगेगा। चलिए दो गेंद पर एक रन आया है, चार गेंद अभी पांच की जरूरत है, चार गेंद पांच की जरूरत। ओ और एक देखिए यहां से, ये क्या हो रहा है भाई, अब तो मैं कहूंगा एक स्वेटर एक क्वार्टर से ज्यादा गर्मी दे देगा ये मुकाबला। चिंगो चिंगो, तीन गेंद अब पांच की जरूरत है, मुकाबला कहां था कहां पहुंच गया। यही तो बात मैंने छेड़ा था भाई कि अक्सर दबे हुए राग के नीचे आग हुआ करते हैं, आपने हल्के में लिए और यहां पर वरिष्ठ टीम के गेंदबाज झलके, यहां पर हवा में है, क्या कैच बनेगा और कैच के साथ साथ है। ए, अब देख क्राउड देखिए अब जागता हुआ भाई, अब यहां पर बता रहे हैं भाई उजाला मिल जाए अग्री वरिष्ठ टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, नहीं तो झोपड़ी भी जला दूंगा, और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दूंगा। अब चाय से ज्यादा केटली गरम, अब उनकी क्राउड देखिए, दो गेंद पांच की जरूरत है, दो गेंद पांच की जरूरत है। आप एक बड़ा हिट एनबी फाउंडेशन टीम को यहां से जीत दिला सकता है। अगर मैच टाई होता है तो फिर एक एक पॉइंट दिया जाएगा दोनों टीम को। आखिरी वरिष्ठ टीम देखिए तीन मैच में दो जीते हैं, अगर ये मैच जीत जाएंगे ना लगभग रास्ता आसान हो सकता है। और एनवी फाउंडेशन टीम देखिए एक मैच जीते हैं एक हारे हैं, यानी उनके लिए भी ये मैच जीतना जरूरी है। ओ बड़ा रोमांचक मोड में है भाई, दो गेंद पांच की जरूरत है, अब ये मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन धक 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 धक, व्हाइट का इजाफा। अब दो गेंद चार, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा, कुरूप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। और 45 रनों की टारगेट रखे थे और आग तो लगा दिए भाई, अब दो गेंद चार की जरूरत है। ओ हो, ये देखिए भाई, उन्हें गुमान था हमारे उड़ानों में कहां दम है, और हमें पता था कि आसमान में थोड़ा जगह कम है। बहुत बढ़िया फिनिश किया यहां से, और दिल टूट गया भाई,
और यही तो हमने जिक्र किया था, एक बड़ा हिट आपको जीत दिला सकता है। अंदी फाउंडेशन टीम देखिए बात करेंगे और एक मैच का इंतजार करेंगे और दिल टूट गए यहाँ पर अग्रवाल टीम का, क्योंकि दो मैच जीते आज दो हारे और यहां से 2-1 से आगे निकलते हुए। एनवी फाउंडेशन टीम 3 मैच में 2 जीत चुके हैं, अभी आखिरी मैच उन्हें खेलना है, लेकिन इस मैच का मैन ऑफ द मैच तो चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच, किसी का मीठा बोल है तो किसी के दिल में झोल है और ये दुनिया भी गोल है और आकाश गायकर का डबल रोल है। 6 विकेट और जिसमें 10 रन, आकाश गायकर बने इस मैच के मैन ऑफ द मैच। चलिए भाई बैटर भेजिए और 2 मैच है। चलिए यहाँ पर अक्षय मात्रे आज एकदम से चमके हैं भाई, बहुत बढ़िया। देखिए अभी तक होंगे बल्लेबाजी हमने देखी थी, लेकिन आज गेंदबाजी भी प्रभावित की है। बैटिंग नंबर नहीं आ रही है। चलिए हो सुड़ा देता है मेरा नूरे मुझे शम तेरा। दीपक पाटिल सर आइए आपका इंतजार है। हॅलो, या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच मी सुयोग गायकवाडला डेडिकेट करेन, कारण की हे जर रन झाले नसते तर आमचा घरचा रस्ता पक्का होता। सुयोग गायकवाड प्लीज ये।